हमारी नूडल्स आ गई हैं। हाय गाइस, मीट राम। तो ये मेरे सब्सक्राइबर है और ये वीडियोस देख के कंसेंट्रिक्स पे आए हैं। कुछ बोलना चाहोगे तुम ही? बस ये बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं और इनका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। ओके, और आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो आप लोग भी बता देना। हाय गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ क्विक FAQ जो मुझे थोड़े बहुत पता है, ज्यादा नहीं, 4-5 ही सही, बिकॉज आज थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ और मेरा एज सच कुछ एकदम प्रिपरेशन नहीं थी, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, बिकॉज एक क्लिप मुझे ऐड करनी थी तो उनकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं एंड थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें जो है आप लोगों को बता देते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर प्रोफाइल या व्हाट इज़ योर इन विच प्रोसेस यू आर। दूसरा फ़ोन नहीं है इसलिए मुझे अच्छे से याद करने पड़े 5-6 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। तो मेरा जो प्रोसेस है वो है व्हील्स और मैं हूँ SME की पोस्ट में। SME क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और वो एक वो एक्सपर्ट होता है जो पूरी टीम को संभालता है, बिकॉज वो अपने प्रोजेक्ट अपने क्या बोलेंगे प्रोफाइल में या जो उसका एक एग्जैक्ट काम होता है उसका उसको सारी चीज़ें होती है। तो वी यूज टू गाइड आर टीममेट्स कि किस तरीके से चीज़ें आगे करनी है। तो नॉट एज TL हमारे भी TL होते हैं, तो TL से जो नीचे लेवल होता है वो है SME का लेवल, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके, एंड अभी मैं करेंटली SP InfoCity बिल्डिंग में आ रही हूँ। अगर आप लोगों को SP InfoCity का जो भी देखना है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि SP InfoCity से रिलेटेड डिटेलिंग वीडियोस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओल्ड फरीदाबाद हायरिंग जोन में है या नहीं है। तो आई थिंक देखो, ऐसा कुछ नहीं होता कि ओल्ड फरीदाबाद पूरा का पूरा हायरिंग जोन में नहीं होगा। जैसे कि ये चीज़ है, हो सकता है कि इसका ये वाला एंगल ये वाला घर जो है वो हायरिंग जोन में ना हो, बट जो ये वाला घर है पूरे हाथ के इस वाली जगहों पे जो घर है वो हायरिंग जोन में हो। तो यू हैव टू कन्फर्म इट विद दी ट्रांसपोर्ट टीम कि वो हायरिंग जोन में आता है या नहीं आता। यू कैन आस्क योर TL, वो ट्रांसपोर्ट टीम को मेल डाल देंगे कि एग्जैक्टली जानने के लिए कि आपका ये एड्रेस है और ये हायरिंग जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो आपको प्रॉपरली बता देंगे कि नहीं, ये वाला जोन नहीं है हायरिंग जोन में या है। जो भी आंसर होगा वो आपको मेल पे टॉप अप कर देंगे, आपके TL को बता देंगे। और क्या था? हाँ, एक मैं अपनी तारीफ करूंगी, बिकॉज एक किसी ने तारीफ करी थी तो मैं वही बता देती हूँ कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू गाइज टू, देखो नाइट शिफ्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं डे शिफ्ट भी करती थी, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड बॉडी का, हर किसी का अपना अपना एक वो होता है। तो मैंने अपनी बॉडी को ना अभी फिलहाल ऐसे प्रिपेयर कर लिया, बिकॉज मेरे लिए अभी जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास टीम की, तो मुझे टीम ऐसे ही मतलब नहीं छोड़ सकती मैं उसको ना, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ मैं कर रही हूँ, प्लस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे चैनल के लिए, जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो वो भी मुझे करना होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली के लिए, तो मुझे उनको भी टाइम देना होगा। तो मैं हर चीज़ ना मैनेज कर रही हूँ, मतलब मेरी जॉब भी चल रही है और मैं अपने साथ में मम्मी का थोड़ा हेल्प भी कर देती हूँ। पापा के बिजनेस में हेल्प नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, बिकॉज उसके लिए जॉब को नहीं करना होगा तभी मैं कर पाऊंगी, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ अपने ब्रदर को कि चलो ओरली अभी गाइड हो जाओ, बाकी मैं आऊँगी तब आपकी हेल्प करा दूंगी। बाकी यूट्यूब को जितना टाइम देना चाहिए मैं उतना नहीं दे रही हूँ, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड थैंक यू आप सभी को जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। बस मैं आप लोगों से एक हेल्प और चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे और टॉपिक सजेस्ट करते रहिए कि आपको और क्या चाहिए। जैसे मुझे किसी ने बोला है कि आप PG गुड़गांव में लोकेशन में PG कैसे लेना है, कहाँ लेना है, आप उसकी एक वीडियो बना दीजिए। तो फॉर श्योर मैं एक डिटेलिंग वीडियो, एक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो उसके लिए भी बात चल रही है, बिकॉज ऐसी आप किसी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते हो और मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखानी भी नहीं है। इट शुड बी सेफ, इट शुड बी फुल ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल, वेल फर्निश्ड ना हो, अगर वेल फर्निश्ड नहीं है तो सस्ता हो, सस्ता नहीं है या थोड़ा सा महंगा है तो एटलीस्ट जो चीज़ें एक इंसान को रिक्वायरमेंट होती है एज अ लिविंग स्टैंडर्ड, तो वो चीज़ें तो हो। तो मैं वही प्रॉपर्टीज में लगी हुई हूँ, अच्छी प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ऐसी प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को भी मिल जाएगी, बट अच्छी इन अ बजट
और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए आने वाली है, तो प्लीज़ आप उसमें भी बने रहिए। मतलब मेरे चैनल में ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, मल्टीपल चैनल, मतलब मैंने देखो मेरा नाम जैसे चंचल अकेला, मेरे चैनल में अभी तक कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं क्या एग्जैक्टली बना रही हूँ। मैं जितना आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जितना इन्फॉर्मेटिव अपने आप को आप लोगों के लिए बना सकती हूँ, तो मैं वो चीज़ का ट्राई कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हो। बाकी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आई नो हर इंसान को कोई पसंद भी करता है, हर इंसान को कोई नापसंद भी करता है, तो ऐसे ही मेरे साथ भी है, कोई मुझे पसंद करता है तो कोई मुझे नापसंद करता है। बट जो मुझे नापसंद करते हैं, मैं उन लोगों को भी थैंक यू कहूँगी कि एटलीस्ट आप मुझे नापसंद कर रहे हो मेरी वीडियोज़ देखने के बाद, तो आप ऐसे ही जजमेंटल नहीं हो रहे, आप चीज़ें देखने के बाद ठीक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी है व्हाटएवर जो भी है दे रहे हो, तो थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर दैट क्या बोलेंगे ओपिनियन या योर हेटरेट व्हाटएवर, योर हेटरेट मोटिवेट्स मी अ लॉट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे तरफ अपनी निगाहें जो उसे दुश्मनी या हेटरेट से भरी है प्लीज़ मेरे ऊपर रखिए अपनी निगाहों को, ठीक है। एनीवेज इन लोगों को साइड करो। नेक्स्ट ये है कि काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली है SP इन्फो सिटी की, जैसे कि आपको बिल्डिंग 14 की दिखाई गई थी वैसे SP इन्फो सिटी की प्रॉपर वीडियोस आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। बाकी FAQs सॉरी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो और क्या FAQs मुझे और याद नहीं आ रहे हैं। बाकी ये जो अभी मैंने क्लिप दिखाई तो वो मुझे मिले, मुझे मतलब इतना मोटिवेटेड फील होता है ना कि मतलब गाई यू नो मी, मतलब बाय माय फेस बाय माय नेम, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती है उस चीज़ में। आज भी ऐसे हुआ कि चार बारी एक ने मुझे पलट पलट के देखा, फिर उन्होंने बोला यू आर चंचल अकेला, तो मैंने कहा ओ माय गॉड थैंक यू भगवान जी एंड थैंक यू टू यू गाइस कि आप लोगों की वजह से आई एम गेनिंग दिस, और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मतलब मैं ना ऐसे हो जाती क्लाउड हो कि ओ ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, और जो भी चीज़ आप लोगों को कुछ भी रिक्वायरमेंट है और कुछ भी रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं गैदर करके आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे आइडियाज़ देते रहिए, कुछ भी कैसा भी, नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑफिस, एनीथिंग, एनी हिस्टोरिकल प्लेस, कुछ भी आप लोगों को जानना है ना बस आप मुझे बताइए, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी और फिर मैं आप लोगों के लिए वो प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगी। तो और क्या बोलूँ, बस थैंक यू सो मच। कल से मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियोस रील्स वीडियोस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्टूडियो बन रहा है, तो अभी आई थिंक पेंट वेंट में तो टाइम लग जाएगा, तो हम लोग उसी से ही शुरू कर लेते हैं जितना हम लोगों का सामान पहुंच गया है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली है विद माय मॉम, मॉम के साथ भी करूँगी मैं एंड मॉम के चैनल को भी सपोर्ट करिए जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच शशि साहू के, उनके नाम का चैनल है और मैं नीचे लिंक में भी मेंशन कर दूंगी उनका लिंक, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोल दीजिए प्लीज़ चंचल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, ठीक है, बाय, गुड नाइट।